स्वागत है बच्चों आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोज आपके लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता हूँ। और आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आपके जो कल फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था आपकी क्लास मैथ्स का, फिफ्थ क्लास का चैप्टर पार्ट्स एंड होल का फर्स्ट पार्ट में मैंने कल करवाया था, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। और आज इसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, तो यानी कि जो क्लास फिफ्थ के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने चैप्टर फोर स्टार्ट कर लिया है मेरे साथ, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज 21 ऑनवर्ड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये मैं लाइव क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ताकि आप जो जितना भी आपका जो चैप्टर फोर है जो रह गया है, रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आप अपने बारे में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस स्कूल से हैं और कहाँ से ये मेरी वीडियो, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो डायरेक्टली पार्ट सेकंड देख रहे हो, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जिन्होंने, जो जिनको लगता है कि सर हमने तो देखा ही नहीं, सेकंड पार्ट से डायरेक्ट वीडियो मिला है, तो बेटा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो का जो लिंक है मैं दे दूंगा। और इसके अलावा जो आपकी क्लास मैथ्स की जितनी भी वीडियो है, सबका लिंक भी साथ के साथ मैं दे दूंगा, ताकि जब आप पीरियोडिक टेस्ट के लिए या हाफ ईयरली के लिए रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम ये सारी वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो ये आपकी क्लास की जो मैथमेटिक बुक है, मैं वहां से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपके पास कुछ पिक्चर है और कुछ मटेरियल गिवन है। आई होप आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये क्या चीज है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो चलो फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसका दोबारा इस डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए ये है, ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें ये रामू के बारे में बात की जा रही है। जैसे फर्स्ट वर्ड से आपको आइडेंटिफाई कर चुके हूं, तो रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड। अच्छा, ये जो पिक्चर था, इस पिक्चर में जो पर्सन है इसका नाम रामू है, और वो इस दीज वेजिटेबल, ये जो वेजिटेबल्स गिवन है, ये वो चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। ओके, चलो भाई, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है, अब कैसे करना है ये क्वेश्चन में पता लगेगा। हाँ, ही गेव अबू बेकर 1/5 ऑफ दीज टमाटो, अबू बेकर 1/5 ऑफ दीज टमाटो एंड 1/3 ऑफ पोटैटो। अच्छा, तो उसने अबू बेकर उसका एक फ्रेंड है जिसको वो 1/5 ऑफ दिस टमेटो का कितना 1/5। ओके, अबू बेकर रामू का एक फ्रेंड है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि 1/5 का मतलब है 1/5, 1/5 टमेटो अपने फ्रेंड को देगा अबू बेकर को, और 1/3 ऑफ पोटैटो का कितना 1/3, यानी कि 1/3, 1/5 किसका, टमेटो का, क्लियर हो गया। टमाटर का 1/5 और आलू का 1/3, आई होप क्लियर हो गया होगा। किसको देना है ये अबू बेकर को देना। उसके बाद सीरीजा गॉट 2/5 ऑफ टमेटो एंड 3/6 ऑफ पोटैटो। सीरीजा एक और फ्रेंड है जिसे वो 2/5 टमेटो देगा, टमाटो यानी टमाटर देगा 2/5, 2/5 शेयर, और 3/6 शेयर पोटैटो का। दोनों बात क्लियर हो गई होगी, टू फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों के बारे में डाटा गिवन है कितना कितना शेयर कर रहा है। नेक्स्ट, नैन्सी गॉट रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल। अच्छा, बाकी जो बच जाएगा, टमाटो और पोटैटो जो भी बच गया, रिमेनिंग रेस्ट का मतलब जो भी बच गया, ठीक है, वो वेजिटेबल वो किसको देगा, वो नैन्सी को देगा। तो आपने क्या करना है, सर्कल अबू बेकर शेयर इन ब्लू, अबू बेकर का जो शेयर है उसको ब्लू कलर में करना है। यानी कि ये जो टमाटो गिवन है, टमाटो पोटैटो गिवन है, इसमें क्या करना है, सर्कल बनाना है। और सर्कल कितना बनाना है, कैलकुलेट करके बनाना है कि किस किसका कितना शेयर आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी ड्राइंग करेंगे दोबारा से, और ड्राइंग करने के बाद सर्कल करके मार्क करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ के साथ क्वेश्चन भी लिख रहे हो गए आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बोला है सर्कल द अबू बेकर शेयर इन ब्लू, ब्लू कलर में शेयर किसका करना है आपको, अबू बेकर का जो शेयर है उसे ब्लू कलर करना है, सर्कल मार्क करना है उसके अंदर। एंड सर्कल श्रीजा शेयर इन येलो, श्रीजा का जो शेयर है उसे आपको सर्कल करना है येलो कलर में। इट मीन्स यू हैव टू यूज ब्लू कलर एंड येलो कलर टू मार्क द शेयर ऑफ अबू बेकर एंड श्रीजा। आई होप क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, ये काम करना है।
ठीक है चलो करते हैं फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन के बाद हम लोग करेंगे सर्कल मार्क। तो जैसे बोला गया फ्रॉम द पिक्चर, फ्रॉम द पिक्चर या फ्रॉम द फिगर यू हैव गिवन पोटैटो कितने 18 है, टोमेटो कितने 20 है, कैसे पता लगा काउंट करेंगे इसे। देखो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इट मींस 18 वी हैव अ पोटैटोस। टोमेटो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। बिल्कुल क्लियर हो गया 20 टोमेटोज एंड 18 पोटैटोज है हमारे पास। चलो अब शेयर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो रामू ने किसको देना चाहा था अबू बेकर को, तो सबसे पहले निकालते हैं अबू बेकर गॉट 1/5 ऑफ दिस टोमेटो, 1/5 मींस 1/5 ऑफ 20, 20 क्यों टोटल हमारे पास टोमेटो 20 है। अब देखो 5 1 5 5 4 20 इट मीन्स ये 1 तो यहां पे आ गया और जो आपने कैंसिल आउट किया है इसे, मैंने इट मीन्स डिवाइड किया है 20 को 5 से डिवाइड किया था, उसका आंसर आपके पास 4 आ गया। इस 1 को और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स अबू बेकर का शेयर आपने कैलकुलेट कर दिया टोमेटो का कितना है 4 आया, इट मीन्स उसे 4 टोमेटो मिलेगा। क्लियर। अच्छा अब अबू बेकर का पोटैटो का शेयर निकालते हैं। अब पोटैटो का शेयर में कितना बोला गया है 1/3 बोला गया है, 1/3 ओके 1/3 लिखोगे इंटू 18, 18 कैसे आया टोटल पोटैटो हमारे पास 18 है। ठीक है चलो 3 1 3 और 3 6 18 तो ये 6 तो यहां से आ गया और 1 कहां से है 1 ये रहा, ये 1 ये रहा और आपने 3 को और 18 को जो सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई मीन्स डिवाइड किया हमने यहां पर, तो वहां से हमारे पास 6 आ गया। तो 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया यहां पे, यानी कि अबू बेकर का पोटैटो का शेयर 6 आ गया। अबू बेकर का आपने टोमेटो और पोटैटो का शेयर कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। अब निकालते हैं श्रीजा का शेयर, श्रीजा का 2/5 है टोमेटो का, टोमेटो का 2/5 पहले लिखेंगे 2/5 इंटू 20, 20 क्यों क्योंकि हमारे पास जो टोमेटो है वो 20 है। ठीक है तो अब ये 5 1 5 5 4 20 तो ये 4 आ गया और 2 कैसे आ गया, 2 ऑलरेडी जो ऊपर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर होता है ऊपर और नीचे वाले जो नंबर है P/Q की फॉर्म में है, तो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर में जो 2 है वो मैंने लिख दिया और ये जो डिनोमिनेटर यानी कि 5 जो इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं जो डिजिट है आपकी, तो डिनोमिनेटर को जब 5 से 20 को डिवाइड किया तो 4 आ गया। इट मीन्स 2 × 4 एंड दैट इज इक्वल टू 8। कैसे 2 के टेबल में अगर 4 टाइम्स रीड करेंगे हम 8 आता है, वहां से आ गया। ठीक है चलो अब निकालते हैं श्रीजा का शेयर, श्रीजा गॉट 3/6, 3/6 ये क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है चलो किसका पोटैटो का, तो पोटैटो हमारे पास 18 है इसलिए मैंने 18 लिख दिया, शेयर कितना है 3/6 तो 3/6 इंटू 18। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका सिंप्लीफाई करने का कि पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं 18 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 6 6 3 18 तो ये वाला 3 आया पीछे वाला और आगे वाला जो 3 है वो ऊपर जो न्यूमिनेटर में था वो वाला है। इट मीन्स 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। हाउ 3 × 3 3 × 3 जब करते हो मल्टीप्लाई करते हो 3 1 3 3 2 6 एंड 3 3 9 तो वहां से 9 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये 8 कैसे आया ये 9 कैसे आया, समझ में आ गया बेटा, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया। तो आपने अभी अभिवेकर का शेयर कैलकुलेट कर लिया दोनों पोटैटो टोमेटो का, फिर श्रीजा का भी शेयर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है अब हमें निकालना नैन्सी का शेयर, तो नैन्सी के शेयर के लिए मैंने क्या किया पूरा रीड करो। ठीक है एक बार जो स्क्रीन को पूरा रीड करो, तो यहां मैंने लिखा है नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल, जो बाकी जो बच जाएगा वो नैन्सी के लिए। तो पहले इन दोनों का कंबाइंड कर लेते हैं इन दोनों का कितना है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि द टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल हमारे पास 38 जरूर है। ठीक है तो 38 टोटल है हमारे पास, क्या ये 20 टोमेटो पोटैटो है और 18 टोमेटो है। ठीक है उसके बाद अबू बेकर का और इसका शेयर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अबू बेकर का शेयर कितना है 4 और 6 कैसे आया ये देखो ये रहा 4 और ये रहा 6। ठीक है और टोमेटो का शेयर, श्रीजा का टोमेटो का शेयर 8 है और श्रीजा का पोटैटो का शेयर 9 है, तो ये 8 9 आ गया। आई होप 4 6 ये 8 9 कहां से आए समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल करने के बाद 27 आ रहा है प्लस करने के बाद, तो 38 टोटल था दोनों मिला के टोमेटो पोटैटो को मिला करके, और जो श्रीजा और अबू बेकर का शेयर है इनको हमने सबको प्लस कर लिया 27 आ गया। तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग नैन्सी का शेयर है,
तो नैन्सी के शेयर के लिए क्या करोगे, 38 में से 27 माइनस कर दोगे। 38 क्यों? क्योंकि टमाटो पोटैटो का टोटल जो क्वांटिटी है वो 38 है दोनों को मिला करके, ठीक है, जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था ना ये पिक्चर, यानी कि इन सबको मिला करके 20 और 18 दोनों को मिला करके कितना हो रहा है, दोनों को मिला के हो रहा है हमारे पास 38 हो रहा है, ठीक है। तो ये 38 माइनस 27 तो आंसर कितना आया, 11 आ गया। 11 किसका है, नैन्सी का शेयर। चलो ये तो कैलकुलेशन वर्क सारा हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो कहा था कि मार्क करो, सर्कल मार्क करो, अब वो सर्कल मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले येलो कलर में मार्क करते हैं, येलो किसका है, येलो है श्रीजा का शेयर, ठीक है, किसका है, श्रीजा का शेयर। ये देखो क्वेश्चन में था ना, येलो सर्कल अबुबकर शेयर इन ब्लू एंड श्रीजा शेयर इन येलो, तो पहले मैं श्रीजा का शेयर येलो कलर में मार्क कर रहा हूं। तो येलो कलर में श्रीजा का शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोटैटो और 8 टमाटो था ना शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ब्लू कलर में मार्क करना था हमें अबुबकर का शेयर, तो अबुबकर के पास 4 हमारे पास क्या आया था, 4 हमारे पास पोटैटो एंड वी हैव टमाटो भी ऐसे था, तो मैंने इनको भी मार्क कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, इजी है ना क्वेश्चन, तो इस तरह से मार्क करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपके पास है, हाउ मेनी पोटैटोस एंड टमेटोस डिड नैन्सी गेट। अब नैन्सी के पास कितना टमेटो पोटैटो गया वो आपको कैलकुलेट करना था। तो टोटल हमारे पास 20 टमेटो है, 18 हमारे पास पोटैटो है, ये क्वेश्चन में था। अच्छा उसके बाद हमने क्या नाम है अबुबकर का और श्रीजा का हम कैलकुलेट कर लेते हैं टमेटो में कितना है। तो टमेटो 8 टमेटो श्रीजा को मिले थे और 4 अबुबकर को मिले थे जो हमने सॉल्व किया था, दोनों को प्लस कर लोगे तो यानी कि 12 आ गया, यानी कि 12 टमाटो शेयर कर दिए गए हैं किसमें, अबुबकर और श्रीजा के अंदर। पहली बात हमने टमाटो की कर ली। अच्छा उसके बाद पोटैटो की बात करें तो पोटैटो हमने जो कैलकुलेट किया था वो 6 और 9 आया था। अब दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है, दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो इस 15 को जो है पोटैटो का शेयर आ गया। अब इंडिविजुअली निकाल लेते हैं टमाटो और पोटैटो का शेयर नैन्सी का। तो नैन्सी का पहले टमाटो का निकालते हैं, टमाटो 20 था और इन दोनों को कितना मिल गया, 12 मिल गया है। इस 12 को माइनस कर दोगे, इट मींस 8 नंबर ऑफ टमाटो विल बी गिवन टू द नैन्सी। तो नैन्सी को कितना मिलेगा टमाटो, टमाटो मिलेगा 8, 20 माइनस 12 करके। 12 कैसे आया, अबुबकर और श्रीजा का शेयर को प्लस करने के बाद। अच्छा अगेन अब हम निकालते हैं पोटैटो का शेयर। तो पोटैटो का शेयर में किया था कि टोटल हमारे पास 18 था, नैन्सी और अबुबकर को कितने मिले थे, 6 और 9, दोनों को प्लस किया तो 15 आ गया। और ये जो 15 है 15 को माइनस कर देंगे हम 18 से, 18 टोटल है नैन्सी एंड अबुबकर का शेयर दोनों को मिला करके। ये देखो इन दोनों को प्लस किया था ना हमने 6 और 9 को, तो प्लस करने के बाद 15 आया था, तो इस 15 को यहां मैंने लिख दिया। और जब माइनस करोगे 3 आएगा, इट मीन्स 3 नंबर ऑफ पोटैटो विल बी गिवन टू द नैन्सी। अच्छा मैंने यहां पे पीछे पोटैटो लिखा नहीं है, तो लो भाई यहां से उठा करके मैं इसको यहां लिख देता हूं, लिखना जरूरी था ये लिख दिया मैंने, क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास जो ये क्या नाम है पोटैटो जो है, ये नंबर ऑफ पोटैटो कितने मिलेंगे नैन्सी को, 3 मिलेंगे, और टमाटो कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। निकाल लिया हमने शेयर, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन नंबर 21 22 दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इंटररिलेटेड है, एक ही डायग्राम से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 23, और इसमें क्या है, 23 में कुछ पार्ट्स गिवन है हमारे पास, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है जो इसका शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड यानी जो कलर पोर्शन कितना है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 को हम पढ़ लेते हैं पहले एक बार। व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, आपको बताना है अगर ये टोटल इतना है तो इसका शेड पोर्शन कितना है। ऐसे छोटे छोटे और भी डायग्राम आएंगे तो सबका हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। तो जैसे इस डायग्राम है तो मैंने इसको सोल्यूशन देखो यहां पे किया है, देखो पहले क्या किया मैंने, सोल्यूशन लिखा है पहले, ये डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा हमारे पास, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसे पार्टीशन कर देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इन्होंने जो ड्रॉ नहीं किया तो मैंने इसको क्या किया, प्रॉपर यहां पे ड्रॉ करके इसको सिंप्लीफाई किया कि नंबर ऑफ पार्ट कैलकुलेट में कर सकूं, ठीक है। तो जितने भी ये इधर साइड में जो ये यहां से लेकर यहां तक जो पार्टीशन बन के आ रहे, इस हिसाब से मैंने ट्राइंगल को और भी इंटरनली जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं पॉसिबल वो मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब ड्रॉ करोगे तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बेटा 8 आ रहे हैं, कैसे, इंक्लूडेड दिस ब्लू शेडेड पोर्शन।
इस ब्लू शेडेड पोर्शन है इसको भी इंक्लूड कर लिया है मैंने, तो टोटल 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। और शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड हमारे पास है 1, और टोटल कितना है, टोटल 8 है, यानी कि 1/8। 1/8 कैसे आया, टोटल 8 है और शेडेड कितना है 1 है, यानी ब्लू कलर किसमें फिल किया गया है, सिर्फ एक पोर्शन में फिल किया गया है, और टोटल हमारे पास कितने 8 है, तो मैंने आंसर लिख दिया 1/8 ऑफ द शेप इज कलर्ड, कि 1/8 ऑफ द शेड इज कलर्ड, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमें ये टर्टल गिवन था, टर्टल के ऊपर कुछ ऐसे ड्राइंग गिवन थी जिसके हमें शेडेड पोर्शन बताना था, और नेक्स्ट इसी तरह और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये देखो इधर लिखा है ना 1 ब्रैकेट में 1, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरह से, अब नेक्स्ट जो डायग्राम है कुछ रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है मुझे, इसके अंदर भी सेम वही काम करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ करोगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन इन द सॉल्यूशन, व्हाई, ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए और अपने आंसर को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी इजी हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हमें इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां दोबारा ड्रॉ कर दिया, पार्टीशन ड्रॉ कर दिया, देखो ये हाफ पार्टीशन, देन वी हैव ड्रॉ 3 डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो पार्टीशन जो पार्ट बन के आए वो कितने हैं, 6 आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इंक्लूडेड दिस पिंक कलर, पिंक कलर वाला जो है इसको भी मैंने इंक्लूड करके काउंट किया है, तो टोटल हमारे पास 6 है। और कलर कितना है, कलर सिर्फ एक में ही कलर है, तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में 1/6 ऑफ शेप इज कलर, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो 1/6 पार्ट इज शेडेड कलर्ड, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट वन की तरह ही था, ये पार्ट सेकंड भी, पार्ट सेकंड भी सिमिलरली पार्ट वन की तरह था, पहले हमें डायग्राम को कंप्लीट करना था, देन वी हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन इज गिवन। तो शेडेड पोर्शन हमारे पास कितना है, शेडेड का मतलब यहाँ पे कलर्ड पोर्शन, ठीक है, वो कितने है? सिर्फ एक है, तो ये 1/6 हो गया, वी हैव गिवन 1/6 पोर्शन कलर्ड एंड रिमेनिंग आर नॉट कलर्ड। तो रिमेनिंग तो हमें नहीं, हमें तो क्या कलर्ड पोर्शन देखना था, तो कलर एक ही है, बाकी टोटल कितने हमारे पास 6 है, तो ये 1/6 हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट है, सब में इसी तरह का काम करना है। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास 2 शेडेड पोर्शन आ गए हैं, ठीक है। पहले इस डायग्राम को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ करके, इसके पार्टीशंस को ड्रॉ करके। तो जब आप इसे पार्टिसिपेशन को ड्रॉ करोगे, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स जो बन रहे हैं इसको ड्रॉ करोगे, तो 9 ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन के आ जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर बन गया ये, स्क्वायर कैसा है, 9 ब्लॉक का है। तो छोटे छोटे ब्लॉक को काउंट कर लो कितने है? तो ये काउंट करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, इसमें रेड वाले दोनों को मैंने काउंट किया है। देन वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने हमारे पास, टोटल है 9, ठीक है। और कलर्ड कितने, कलर्ड 2 है, तो सॉल्यूशन विल बी 2/9 ऑफ द शेप इज कलर्ड, ठीक है। 2/9, 2/9 पार्ट शेड है, यानी कि ये वाला और ये वाला, दो शेड है और 9 टोटल है, हो गया। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इजी है, कर सकते हो ना, एग्जाम में आ जाए तो फटाफट कर देना भाई, ये तो फ्री के नंबर है, जैसे क्वेश्चन आया हाथ के हाथ करके रख के फटाफट पूरा कर देना। चलो इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें भी कुछ ऐसे ही काम करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें नंबर ऑफ कलर पोर्शन थोड़े से ज्यादा है, देख लेते कैसे। ये बड़ा सा रेक्टेंगल है और इसके अंदर छोटे छोटे रेक्टेंगल बने हुए हैं जो कि कलर्ड है, तो एक एक करके देख लेते हैं। 1, 2, 3 इस तरह से पार्टीशन जब कंप्लीट करोगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इट मीन्स वी हैव 15 टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस। टोटल पोर्शन या टोटल ब्लॉक जो है हमारे पास कितने इस ग्रिड के अंदर है, इस ग्रिड जो ग्रिड जैसा बन गया है 15 है टोटल। अच्छा अब कैलकुलेट कर लेते हैं भी नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड यानी कि कलर्ड पोर्शन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कलर ऐसे हैं, 4 ऐसे ब्लॉक है जिसमें पिंक कलर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास 15 है, अब कलर्ड कितने, 4 है। तो आंसर या सॉल्यूशन बोलोगे तो क्या लिखोगे, इस तरह लिखोगे 4/15 ऑफ द शेप इज कलर्ड। आई होप ये सारे पार्ट 1, 2, 3, 4 जो भी मैंने कराया आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो इनको जब भी ड्रॉ करोगे कोई एग्जाम में, कॉपी में जब भी सॉल्व करोगे बेटा, तो स्केल पेंसिल यूज करके ड्रॉ करोगे, डायरेक्टली पेन से मत ड्रॉ करने लग जाना, शुरू हो जाओ पता लगे, एग्जाम में तो बिल्कुल मत पेन से ड्रॉ करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखे, रिमेंबर कहीं नोट करके लिख लो, सर ने बोला है किससे करना है, इसे पेंसिल से करना है। आई होप सबको क्लियर हो गया, यूज पेंसिल एंड स्केल, और जब पेंसिल स्केल करोगे, यूज करोगे पेंसिल को, तो उसे बिल्कुल शार्प करके यूज करो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24।
अब 24 में क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अच्छा ये भी ऐसा लग रहा है कुछ पार्ट्स में, देखो 24 का फर्स्ट पार्ट, इट मींस वी हैव मोर नंबर ऑफ पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हमें लगता है कि और भी क्वेश्चन है आपके पास जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से आएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कलर पार्ट्स कंप्लीट दिस। आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है पार्ट को। चलो पढ़ते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा अभी इसमें बोला क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपके लिए, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट, आउट ऑफ इक्वल पार्ट वन पार्ट इज ब्लू। ठीक है, वन पार्ट क्या ब्लू है, तो नेक्स्ट पार्ट हमें कलर कर देना है। तो बहुत इजी है, तो लिख सकते हो आउट ऑफ इक्वल टू पार्ट वन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। तो वन पार्ट क्या है, इसमें ब्लू है और वन हमने अपनी मर्जी से फिल कर दिया, जो कि मैंने क्या फिल कर दिया, पिंक फिल कर दिया। क्वेश्चन लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बोला कि हाफ पार्ट जो इसको टू पार्ट में डिवाइड करना था, तो मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट मैंने ब्लू कलर में कर दिया और वन पार्ट मैंने किस में कर दिया, पिंक में कर दिया। बहुत इजी था, टू पार्ट में डिवाइड करना था और सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करके टू डिफरेंट कलर यूज करना था। वन पार्ट इज ब्लू एंड अनदर पार्ट आपकी मर्जी से था, मैंने पिंक ले लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट सर्कल ड्रॉ करना है, इसे टू पार्ट में डिवाइड करना है एंड वी हैव टू यूज टू डिफरेंट कलर। फर्स्ट कलर वी यूज ब्लू एंड सेकेंड पिंक। ठीक है, ब्लू क्वेश्चन में मैंशन था जो कि वहां से कर लिया, पिंक मैंने अपनी मर्जी से कर लिया। आप चाहो तो अपने जो भी आपका फेवरेट कलर है आप वो यूज कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो ये आपके पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट यू हैव हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट। ओके, फोर इक्वल पार्ट, तो सर्कल पहले एक सर्कल ड्रॉ करोगे और सर्कल को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे। हो गया 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया आउट ऑफ इक्वल पार्ट्स, जितने भी इक्वल पार्ट है, पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ठीक है, जो ये जो है ना इसको हाफ पार्ट जो है इसके जो है इसको ब्लू कलर में करना है। तो मैंने क्या कर दिया भैया, आधे, यानी कि आधे का मतलब है इससे हाफ का मतलब है टोटल यहाँ पे जो फोर पार्ट है, फोर में से टू तो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है और टू मैंने किस में कर दिया है, पिंक में कर दिया। कहते आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स पार्ट टू आर कलर ब्लू। पार्ट टू, टू पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, टू पार्ट को मैंने कलर ब्लू कलर में कर दिया, बाकी दो में आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज कर सकते हो। मैंने पिंक यूज किया, आप चाहो तो व्हाइट भी छोड़ सकते हो उसको, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट में, वहां पे दो पार्ट करने थे और ये सेकंड पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर हमें फोर पार्ट में डिवाइड करना है सर्कल को। ठीक है, छोटे छोटे चार पार्ट में डिवाइड करना है और ये मैंने चार पार्ट में डिवाइड करके इसको कलर कर दिया। ठीक है, इजी है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन रीड कर लिया, चलो मैं समझा देता हूं। इसमें बोला जाए हेयर द सर्कल इज डैश, सर्कल डैश है, तो आप सर्कल को अपनी मर्जी से डिवाइड कर लो। अब जैसे पहले में वन पार्ट, टू पार्ट में था, फिर फोर पार्ट में, अब ऐसे करते हैं इसको सिक्स पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो इसे पहले सिक्स पार्ट में डिवाइड करो, ये भी एक हाफ सर्कल में डिवाइड हो गया टू पार्ट में। अगेन वी हैव अनदर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर उसका थर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरह से मैंने इसको सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सिक्स पार्ट में थ्री पार्ट हमारे पास क्या है, थ्री पार्ट तो ब्लू कलर में हो जाएंगे और थ्री पार्ट पिंक कलर में हो जाएंगे। पिंक क्यों यूज कर रहे, पिंक अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो कुछ और कलर भी यूज कर सकते हो। अब ब्लू कहां से यूज कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में याद करो जब क्वेश्चन बोला गया था ब्लू चल रहा था, इसलिए मैंने ब्लू कलर यूज कर दिया। तो थ्री पार्ट मैंने ब्लू में कर दिया और थ्री पार्ट किस में कर दिया, पिंक में कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब देख लेते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। यानी कि थ्री है तो उसके अंदर हो सकता है फोर होगा, कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। अब तो क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा कि भाई सर अभी बढ़ क्यों रहे हैं ऐसे ऐसे, पहले टू पार्ट में था फिर फोर पार्ट हो गया, फोर के बाद सिक्स हो गया, अब सिक्स के बाद हो सकता है एट पार्ट हो गया हो। चलो देख लेते हैं। तो यहां लिखा है हेयर द सर्कल इज, अब सर्कल कैसे कर, सर्कल को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है तो हम इसे फिल करेंगे। इसे मैंने एट पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये सर्कल लिया इसको एट पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो छोटे छोटे एट पार्ट, पार्ट यहाँ पे जो सर्कल में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेक्शन बोलते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट, पार्ट फोर आर कलर्ड ब्लू। तो फोर पार्ट को मैंने ब्लू कलर में फिल कर दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये फोर इसको ब्लू में कर दिया, फोर इसको पिंक में कर दिया। तो आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स पार्ट फोर आर कलर्ड ब्लू, सो वी हैव
वी कैन से डेट, अब हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि इसका हाफ पार्ट, हाफ का मतलब 1/2, या 2/4 भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हाफ को 3/6 भी बोल सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा इस फोर्थ पार्ट में हम लोग कर रहे हैं इसमें 4/8 भी बोल सकते हैं। 4/8 कैसे, 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट जो है इसके ब्लू कलर में, तो मैंने 4 यहां ब्लू लिख दिया। और 8 कैसे आया, 8 टोटल आया, ठीक है, यहां से। और इससे पहले वाला जो किया था वहां पे कितने थे, वहां पे था आपके पास 3 ब्लू कलर में था और टोटल 6 था, ठीक है, तो ये वहां से आया, ठीक है। ये जो सोच रहे होगे ना ये 3/6 कहां से आया, तो आपने जो थर्ड पार्ट किया था वहां से आया। अच्छा, अब ये 2/4 कहां से आया, अब ये भी सोच रहे होगे सर ये 2/4 कहां से लेके आया, तो जब आपने सेकंड पार्ट किया था बेटा वहां से लेके आया हम इसको 2/4 को। देखो सेकंड पार्ट में ये 2 ब्लू कलर में 2 है, टोटल कितने हमारे पास 4 है, ठीक है, तो ये वहां से आया। अच्छा, अब कोई पूछ रहा सर ये हाफ पार्ट कहां से आया, 1/2, तो 1/2 बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट किया था हम लोगों ने, फर्स्ट पार्ट वहां से आया 1/2, ठीक है, 1 पार्ट इज ब्लू एंड टोटल वी हैव 2 पार्ट्स, तो ये यहां से आ गया। तो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने एक ही पार्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, इजी सा क्वेश्चन था, कोई टफ तो था ही नहीं इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, एक स्टोरी जैसा क्वेश्चन है कुछ, उसके अंदर देख लेते हैं क्या है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ पार्ट हो सकते हैं, तो पहले समझते हैं इसमें है क्या। इसमें यह रमेश बाउट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन। अच्छा, रमेश एक अंकल है, उस अंकल ने क्या किया, अपने बच्चों के लिए हलवा लेके आए, तो अब हलवा के बारे में देख लेते हैं भाई, वो कुछ केक जैसा लग रहा है, कुछ बिस्किट केक कुछ इस तरह से शेप में है, टोटल मतलब कहने का मतलब कंबाइंड है, तो उसे वो कुछ पीसेस में डिवाइड करना होगा ताकि वो अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। स्टोरी समझ में आ गई क्या, स्टोरी में एक अंकल है जिनका नाम रमेश है, वो हलवा लेके आए हैं किसके लिए, अपने बच्चों के लिए लेके आए हैं। अब हमें क्या करना होगा, हो सकता है हमें डिवाइड करना होगा, कैसे डिवाइड करना है ये क्वेश्चन को पढ़ के पता लगेगा। तो ये पहले ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब कैसे होगा क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि अम्मू एंड अनु ही डिवाइड इट इक्वली फॉर देम। अच्छा, जो रमेश अंकल है उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है अमू और दूसरे का नाम क्या है अनु, इसने दो बच्चों को इक्वल पार्ट में हलवा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ठीक है। फिर ये अम्मू ने जो अम्मू को जो डिवाइड किया है अम्मू को और अनु को, वो कैसे, पहले कंप्लीट हलवा था बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा शेप था, इसको हाफ पार्ट यहां से बीच में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद जो ये शेर आ रहा है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपने क्या करना है, लिखना है ईच विल गेट पार्ट ऑफ हलवा, दोनों को कितना मिलेगा, हाफ हाफ मिलेगा, तो लिख सकते हो ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ हलवा। 1/2 कैसे, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को 1 मिलेगा और फिर टोटल कितना 2 है, ठीक है, एक को 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों को एक एक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के इस पार्ट में क्या करना है, डायग्राम ये वाला ड्रॉ करना है, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का जो लिखा हुआ है ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा, पहले इसको लिखोगे उसके बाद नीचे सॉल्यूशन में लिखोगे कितना मिलेगा, 1/2 पार्ट, ठीक है, 1/2 पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा 1/2 क्यों हो रहा है, टोटल 2 पार्ट है और हमें जो अम्मू को और अनु को जो मिल रहे हैं 1 मिल रहे हैं, ईजी है। चलो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया कि सो ही डिवाइडेड द पीस इंटू हाफ अगेन। ओ, पहले तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, अगेन डिवाइड कर दिया से हाफ पार्ट अगेन। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट, अब बताओ अमू को कितने मिलेंगे, तो एक बड़े हलवा था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अब जो 2 पार्ट थे यानी कि कुछ इस शेप में जो 2 पार्ट था आपके पास, अब दोनों को इसको भी 2 पार्ट करेंगे और इसका भी 2 पार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे, ये देखो 4 हो गया ना, 2 पार्ट थे दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया गया, तो जब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट में हो गया, ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा होगा। तो छोटे छोटे ये 4 पार्ट हो गए। अब जैसे पूछा गया कि अम्मू को कितना मिलेगा, भाई सिंपल है भाई, दो बहनें हैं, एक का नाम अनु है एक का नाम अम्मू है, तो अम्मू को क्या मिलेगा, टोटल में से हाफ मिलेगा, यानी कि 4 है टोटल, वी हैव 4 स्मॉल पार्ट्स एंड अम्मू विल गेट 2 पार्ट, ये वाला और ये वाला अम्मू को दे दो, और 2 पार्ट भाई अनु को भी तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अम्मू गेट 2 पीसेस, अमू को कितना मिलेगा, 2 पीस मिलेगा, इसका सारा नहीं मिलेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में भाई। अच्छा ये बताओ आप लोगों के घर में कितने भाई बहन हो आप लोग, एक बार मुझे उसमें बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है क्या, पापा मम्मी कोई चीज लेके आते हैं, जैसे कुछ भी हलवा लिया है, रसगुल्ला लिया है, समोसे लिया है, कोई फ्रूट्स लिया है, मैंगो लिया है, क्या घर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, कि भाई ये वाला पार्ट आपके बड़े भैया या बड़ी बहन का, ठीक है, बड़ी दीदी का, और ये वाला पार्ट आपके छोटी बहन का, छोटी भाई का, छोटे भाई का, इस तरह होता है क्या आप लोगों के घर में, भाई मेरे घर में तो होता है, ठीक है, हम लोग भी भाई बहन है,
तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता है कि पापा कुछ लेके आते हैं तो शेयर करते हैं। अच्छा आप लोग बताना बच्चों कि आपके घर में ऐसा होता है नहीं होता है कि कई बार तो आप क्या करते कुछ बताना, थोड़ी से अपने एक्सपीरियंस बताना मुझे। मैं कमेंट बॉक्स सबके कमेंट पढ़ता हूँ बेटा, ठीक है? तो मुझे जरूर बताना आप, और अपना नाम जरूर लिखना। सबका लिखने की जरूरत नहीं है, सारे भाई बहन का, बस ये लिख देना कि सर हमारे पास, हम दो भाई बहन है, तीन भाई बहन है, चार भाई बहन है, और हमारे घर में भी आता है, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होता है। अगर होता है तो कुछ कहेंगे नहीं सर हमारे घर, हम तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं सर, तो ऐसा भी हो सकता है भाई। तो अपने घर में, आपके घर में क्या होता है मुझे वो बताना, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कुछ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड कर लिया हम लोगों ने, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये आपसे बोला जा रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट। अब आपको बताना है कि ये जो हलवा जो अम्मू को मिला है, अम्मू को जो मिला है वो कितना पार्ट है, यानी कि जो टू पीसेस आपने जो दिया है इसको, ये जो टू पीसेस, एक मिनट, ये वाला, हाँ ये जो टू पीस आपने दिया है, अम्मू गेट टू पीस, ये जो टू पीस है आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन में कितना मिला है। भाई टोटल हमारे पास चार पीसेस है और अम्मू गेट टू पीस, यानी कि आप बोल सकते हो टू बाई फोर, क्यों? टोटल हमारे पास फोर पीसेस है एंड वी हैव गिवन अम्मू टू पीसेस, यानी कि अम्मू को हमने दो पीस दे दिया है। तो आप इसे लिख सकते हो बहुत अच्छे से कि 2/4 पार्ट ऑफ हलवा, कितना? 2/4 ऑफ पार्ट ऑफ हलवा, कि 2/4 भी हिंदी में बोले तो 2/4 भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलोगे तो आप 2/4 बोलोगे, ठीक है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और हाफ पार्ट ऑफ हलवा, कि टोटल जितना भी था उसका हाफ आपने अम्मू को दे दिया, हाफ आपने अन्नू को दोगे, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो आंसर 2/4। समझ में आ गया? ये हाफ क्यों? क्यों आधा है भाई, इसलिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में तो चलो क्वेश्चन नहीं है, बस एक समझाने के लिए, मैं एक एग्जाम में अगर आ जाता है तो उसके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो वो जो फोर पार्ट में आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये जो फोर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब इस फोर पार्ट को अगेन अगर डिवाइड करो छोटे छोटे पीसेज में तो कितने पार्ट हो जाएंगे? तो डेफिनेटली है भाई, फोर पार्ट है, फोर को अगर दो दो पीसेज में बांट दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये कितने हो जाएंगे? एट पार्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एट पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप लिख सकते हो मेक इट इवन स्मॉलर, अब अगर उसके जो पापा है, डैड जो, उन्होंने और स्मॉलर बनाया है, दे आक्सो ही अगेन कट द हलवा इनटू द स्मॉलर पीसेस। अगर उसके पापा को वो लोग बोलते पापा इसको और छोटे कर दो, पहले दो पार्ट में किया फिर चार पार्ट में किया, आप चार की बात करें, पापा और छोटे कर दो, तो जब और छोटे करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे? मैंने आंसर लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोग खुद बताना कितने हो जाएंगे, एट पार्ट हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इट विल बी एट नंबर ऑफ पीसेस वी कैन गेट फ्रॉम आफ्टर डिवाइडिंग इट अगेन। तो जब हम इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे इस चीज को, तो हमारे पास एट पार्ट हो जाएगा। कैसे? आप ये डायग्राम देख सकते हो, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, चलो भाई देख लेते हैं भाई फोर्थ पार्ट में क्या है, इसी का आगे कंटिन्यू हो रहा है भाई, ठीक है? आप डायग्राम नहीं है, आप कैलकुलेशन है भाई, समझना पड़ेगा भैया, ठीक है? तो ये नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, तो दोनों को कितना मिलेगा? तो अम्मू एंड अनु गेट फोर पीस ईच, फोर पीस ईच, क्यों? कि टोटल हमारे पास कितने पार्ट हो गए? टोटल हमारे पास अब जो हो गए, जो लेटेस्ट जो हो गए, वो हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? एट पार्ट में कर दिया है। एट पार्ट का मतलब है चार, फोर पार्ट तो अम्मू का हो गया और फोर पार्ट अनु का हो गया। तो आप आंसर लिख सकते हो बहुत इजीली कि नाउ अम्मू एंड अनु गेट्स फोर पीस ईच, यानी कि अम्मू को और अनु को कितने मिलेंगे? फोर पार्ट ईच, दोनों को फोर फोर पार्ट मिल जाएंगे दोनों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आपसे पूछा जा रहा है। नाउ जो वी हैव फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट यू आर आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है, व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, यानी कि ये जो आपने हलवा डिवाइड कर दिया, इतने सारे टुकड़े बना दिए, आपको ये बताना है कि जो एक पीस है, यानी कि एक टुकड़ा है, वो किसके बराबर है? एक टुकड़ा जो है वो किसके बराबर है, आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर, जैसे एक पार्ट क्या मतलब है यहाँ पे, टोटल हमारे पास कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एट पार्ट है। अब एक की बात करें तो एक क्या है? 1/8, 1/8, क्यों? टोटल हमारे पास एट पार्ट है और एक की बात की जा रही थी, यानी कि एक के लिए वन और टोटल के लिए एट, तो यानी कि आंसर क्या लिख सकते हो? 1/8, क्या लिखोगे? 1/8, इसलिए मैंने सोल्यूशन में लिखा है ईच पीस इज नाउ 1/8 पार्ट ऑफ हलवा, कि हर एक पार्ट जो है वो कितना है? 1/8 पार्ट है, यानी कि 1/8 हो गया, क्लियर? चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, यानी कि सिक्स पार्ट देख लेते हैं। तो छोटा सा लंबा हो गया क्वेश्चन में, ज्यादा पार्ट है ना, कोई बात नहीं, आपका ये चैप्टर ही लंबा है भाई, इसलिए आराम से एक बार में अगर वीडियो नहीं कंप्लीट कर पाओ, दो बार देखना, तीन बार देखना, ठीक है? पहले एक बार वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन समझ लेना बेटा, उसके बाद दोबारा देख के इसको सॉल्व कर लेना चाहे तो, ठीक है?
तो पहले समझो कि छुट्टियां है, घर पे हो, आराम से देख सकते हो उसे, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके देखो करो। एग्जाम तो अभी दूर है, दो दो तीन तीन बार देख लोगे इसे, तब तक तो अब बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो सिक्स पार्ट, इफ रमेश हैड कट हलवा इंटू सिक्स इक्वल पार्ट। अच्छा, रमेश ने मान लो इस हलवा को सिक्स इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया होता तो आपको बताना है हाउ मेनी पीस ईच हैव गॉट। तो आपको ये बताना है कि दोनों को कितने पास मिलेंगे। कट, लुक एट द योर आंसर क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड राइट। अब आपको ये बताना है कि अगर इसको सिक्स पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया गया होता तो बताओ कितने कितने पार्ट मिले होते हैं। तो आप इसे बोल सकते हो इस तरह से, इफ रमेश हैड कट द हलवा इंटू सिक्स इक्वल पार्ट, नाउ अगर उसे इस तरह से पार्ट कर दिया होगा तो हम बोल सकते हैं कि ईच गॉट 3 पीस ऑफ हलवा। दोनों को कितना मिलेगा? 3 पीस मिलेगा। टोटल कितना है? टोटल हमारे पास कितना है? टोटल है हमारे पास 6 है। कैसे पता लगा? देखो ये लिखा है ना क्वेश्चन में, कितने पार्ट में? 6 इक्वल पार्ट में। तो तीनों को, दोनों को तीन तीन मिल जाएंगे, तो आप लिख सकते हो देन हाफ। पहले 2/4 था, फिर अब हम कह सकते हैं कि इस 2/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, जो आप लोगों ने डिवाइड किया था इसे बोल सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं इसे, तो आप इसे क्या बोल सकते हो कि सर ये 3/6 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन में कितना हुआ था, 4/8 हुआ था, 4/8 हुआ था, ये भी हाफ है। अगर नेक्स्ट हमें करना हो तो ये 5/10 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट अगर करना हो तो कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। यानी कि 1/1 स्टेप और आगे डिवाइड करके बढ़ा देता हूँ, यानी कि हाफ हाफ के बारे में पूछ रहा है। 3 पहले क्या था, 1/2 के बाद आप क्या लिख सकते हो उसे, 1/2 के बाद आप लिख सकते हो 2/4 लिख सकते हो, ठीक है। देखो इधर ध्यान से ये कैसे हो रहा है, पहले देखो 1/2 एक और आगे बढ़ा दो, 1 को 2 कर दो और डबल कर दिया 2/4, और 2 की जगह यहां क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया, और यहां पे 2 और बढ़ा दिया तो यानी 6 हो गया। अब यहां पे 3 के बाद के नेक्स्ट क्या हो गया, 4 हो गया, एक बढ़ा दिया और नीचे 2 बढ़ा दिया, यानी 6 का क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, 4 से ये क्या बढ़ा दिया मैंने, 1 इंक्रीज कर दिया, 5 हो गया। जैसे 1 इंक्रीज ऊपर क्या हो गया, नीचे 2 इंक्रीज करो, 10 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 5 को 6 बना दो, 1 इंक्रीज किया, नीचे कितना इंक्रीज करोगे, 2 इंक्रीज करोगे, तो ये 12 हो जाओ। आगे लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो कितना, 7/14। नेक्स्ट आगे लिखना चाहो 8/16। तो भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस 2-4 थे मैंने आपको समझा दिया, चाहो तो और भी लिख सकते हो। आई होप ये 6 पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं को क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं कभी और एक प्रॉब्लम क्लास लेके दोबारा भी समझा सकता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपके पास 26th क्वेश्चन। अब 26th क्वेश्चन में क्या है, 26th क्वेश्चन में भी कुछ ये डायग्राम गिवन है और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स डिवाइड ऑलरेडी वी हैव गिवन, डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट पार्ट इसके गिवन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप्स, ये पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप्स के बारे में। तो जब फर्स्ट पार्ट में हमें जो काम करना है इसके, उसमें बोला जा रहा है लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस, राइट पार्ट फॉर पीस ऑफ ईच कलर। अच्छा ग्रीन कितने हैं आपको ये बताना है। चलो ये डायग्राम देख लिया अच्छे से। चलो अब इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करना चाहूं फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट 1 पार्ट है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 1/2 और ये भी क्या है 1/2 हो गया, ठीक है, इजी। नेक्स्ट आगे बोल सकते हो इसको 1/4 क्यों, टोटल कितने 4 पार्ट है, मैंने लिखा नहीं है आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, लिख सकते हो इसे 1/4 1/4 1/4 1/4। नेक्स्ट कितने टोटल है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इसलिए 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 इस तरह से लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखोगे, अपने आप लिखना भाई, क्या लिखोगे, टोटल है 1, 2, 3, 4, तो आप लिख सकते हो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक है, 4 बार आपको 1/4 लिख देना, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी 1/4, ये देखो लिखा है ना, हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ, कि कितने 1/4 को आप मिलाओगे कंबाइंड कर दोगे तो हाफ बनेगा। भाई इसके लिए तो भाई ऐसा करना पड़ेगा, पहले लिखोगे सोल्यूशन, लिखने के बाद लिखोगे 2/1/4 को देखो, ये देखो डायग्राम देखो कि भाई ऐसे बोल रहा है 2/1/4 1/4, एक ये 1/4 ये रहा, एक ये 1/4 रहा, यानी कि 2/1/4 को अगर कंबाइंड कर दोगे, दिस वन एंड दिस वन, इफ वी कंबाइन दिस टू पार्ट्स वी विल गेट हाफ पार्ट, टोटल का हाफ हमें अगर चाहिए होगा तो वी हैव टू प्लस
वन बाय फोर टू टाइम्स, ठीक है, इन दो दो बार आप इसे वन बाय फोर और वन बाय फोर को जब प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक हाफ आ जाएगा, यानी कि वन हाफ पोर्शन इसका आ जाएगा। डायग्राम देखिए क्लियर हो गया होगा ना अच्छे से, कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है डायग्राम देख करके बिल्कुल, कि वन बाय फोर ये रहा, वन बाय फोर ये भी है, ये आपको इससे पहले इस क्वेश्चन में लिखना होगा भाई, ठीक है। चलो तो आप इसको लिख सकते कुछ इस तरह से, टू वन फोर विल मेक हाफ, कैसे, वन बाय फोर एंड वन बाय फोर दोनों को जो प्लस करोगे तो कितना आएगा, टू बाई फोर, ठीक है। चाहो तो आगे मैंने एक हिंट के लिए आपको दे दिया है, डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू, दोनों को किससे, टू से डिवाइड कर लो, करोगे जब टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो आप लिख सकते हो वन बाय टू, तो ये हो गया आपके पास वन बाय टू हो गया, ठीक है, जो कि हाफ है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है हाउ मेनी वन एट विल मेक वन बाय फोर, अच्छा वन एट को कितनी बार हम प्लस करें जो हमारे पास आ जाएगा वन बाय फोर। तो चलो ठीक से फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं, तो इस डायग्राम में देखो वन फोर्थ ये रहा, ये ना ये वाला जो ब्लू कलर जैसा दिख रहा है, ब्लू लाइट ब्लू स्काई ब्लू जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको अगर निकालना है हमें, वन एट कितने मिलेंगे इसके अंदर, दो दो, एक वन बाय एट ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा कंबाइंड कर दूंगा तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके इक्वल हो गया। इफ वी प्लस वन बाय एट एंड वन बाय एट टू टाइम्स देन वी विल गेट दिस पोर्शन दैट इज कॉल्ड ब्लू पोर्शन स्काई ब्लू पोर्शन दैट इज वन बाय फोर, ठीक है, जो कि वन बाय फोर हो जाएगा अगर हम इसे वन बाय एट को दो बार प्लस कर देंगे तो। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया आपसे गया, एज यूर क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम यू कि आप बताओ भाई कितने होंगे, तो आप बता सकते हो, एक मिनट ये वाला था हाँ, तो जैसे आपसे बोला गया हाउ मेनी वन बाय एट विल मेक वन बाय फोर, तो आप बोल सकते हो टू वन बाय एट, टू टाइम्स वन बाय एट विल मेक वन बाय फोर, तो दोनों को प्लस करोगे वन बाय एट वन बाय एट, तो ये क्या हो जाएगा टू बाय एट हो जाएगा। अगेन हिंट के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कैसे सॉल्व किया मैंने इसको, तो बोला है मैंने इसे ब्रैकेट में देखो डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, न्यूमिनेटर यानी एन जो है ऊपर वाला और डी फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वो नीचे वाला है, दोनों को अगर टू से डिवाइड करोगे तो आपके पास वन बाय फोर आ जाएगा, तो बोल सकते हो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि वन बाय फोर आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वन बाय एट, कि कितने वन बाय एट पोर्शन मिलकर के बनाएंगे आर इन वन बाय टू, वन बाय टू के अंदर कितने वन बाय एट है। चलो भाई फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं और डायग्राम को फिर से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ना ये डायग्राम, बना लो इस डायग्राम को। अच्छा हाँ, अगर ये क्वेश्चन मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चे, तो मुझे लाइक तो करके बता सकते हो ना कि हाँ सर पसंद आ रहा है, तो जरूर लाइक करना भाई मेरी वीडियो को, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद, तो इसमें देखो अब वन बाय एट कितने हैं, जैसे हाफ पोर्शन अगर देखोगे ये यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां से और यहां तक कितने वन बाय एट आ रहे हैं, तो आप देखो डायग्राम में वन टू थ्री फोर कितने आ रहे हैं, फोर टाइम्स वन बाय एट आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स ए वन बाय एट आ रहे हैं, अगर इन चारों को प्लस कर दें, ठीक है, को जब प्लस कर दोगे, प्लस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा वन बाय टू आ जाएगा, तो आंसर लिख सकते हो उसका इस तरह से, फोर वन बाय एट आर इन वन बाय टू, वन बाय टू के अंदर कितने वन बाय एट है, फोर है, फोर टाइम्स है, तो लिख सकते हो वन बाय एट प्लस वन बाय एट प्लस वन बाय एट प्लस वन बाय एट दैट इज इक्वल टू फोर बाय एट, कैसे, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स है इसलिए फोर टाइम फोर हो गया यहाँ पे, एट क्योंकि बेस सेम है सबका, बेस मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार हम लोग लिख देंगे एट, ठीक है, ऐसा नहीं सर एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस एट थर्टी टू, थर्टी टू ऐसे करके सबको प्लस कर थर्टी टू लिख देंगे, अरे नहीं भाई ऐसे नहीं करते, बेस सेम होना चाहिए, तो बेस को चारों के बेस को मैंने एक बार लिख दिया एट, ठीक है, और ऊपर वाला जो है ना वन टू थ्री फोर चार बार हो गया, तो इनको प्लस करके मैंने यहाँ फोर बाय एट लिख दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा, बेस को प्लस नहीं करते, बेस को बस लिख देते हैं नीचे, ठीक है, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये हिंट दिया आपके लिए कि डिवाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय फोर, फोर से डिवाइड कर दो इसको, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। आई होप ये जो हाफ पोर्शन वाला जो क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में भी ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम को ठीक से देखो और इसे आइडेंटिफाई करो और इसे ड्रॉ कर लो, पहले तो क्वेश्चन लिखो ड्रॉ कर लो, और बेटा जिसकी स्पीड स्लो है तो वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आराम से करेंगे, ठीक है, या वीडियो पॉज करके कर लो या फिर दोबारा देख के भी कर सकते हो, पहले समझ लो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। डायग्राम देख लिया, ड्रॉ कर लिया होगा, आई होप कर रहे होगे। चलो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं इस बीच में।
चलो अब ध्यान से सुन लो, अभी लिखना बंद करो, पहले समझ लो इस क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन नंबर 27, लुक एट द स्क्वायर, स्क्वायर को ध्यान से देख लो। देख लिया हम लोगों ने भाई, इसके अंदर येलो कलर के और मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करके अलग अलग इसके पोर्शन बना दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट पार्ट इज कलर ब्लू, ब्लू कितने पार्ट में कलर्ड है। पहले इसको अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, इसको ग्रिड की फॉर्म में बना देते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ग्रिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। ये कुछ ग्रिड बन गया इसका, नहीं समझ में आया कैसे, एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, टर्न कर दिया, मतलब इसको चेंज कर दिया ग्रिड के फॉर्म में, ठीक है। स्केल लेना और इसका ग्रिड बना देना, तो बना दोगे ग्रिड, तो ये बन गया आपके पास, इसके ग्रिड बन गए, छोटे छोटे ग्रिड बन गए, इसके बॉक्सेस बन गए। तो अब आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन की ब्लू पोर्शन कितने हैं बताओ, तो पहले टोटल देख लेते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वी हैव टोटल 16 पार्ट। तो आप लिख सकते हो आउट ऑफ 16 स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर है ये, आउट ऑफ 16 स्क्वायर 2 स्क्वायर्स आर कलर्ड ब्लू। जो दो स्क्वायर है आपके पास, दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, 2 स्क्वायर इज कलर्ड ब्लू। तो डेट इज आईई जो डॉट में ऐसा लिखा रहता है, इट मीन्स होता है डेट इज, डेट इज 2/16, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक अ और 1/8। कैसे याद करो, पुराने क्वेश्चन में हिंट देता था ना मैं, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, कुछ इस तरह था ना। तो यहां पे भी अगर इस दोनों को 2 से डिवाइड कर लोगे तो आंसर क्या आ सकता है, 1/8। 1/8 कैसे आया, 2 1 जा 2 2 2 जा सॉरी 1 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। यहां तक भी छोड़ दोगे ना, ये तो भी यहां तक भी अगर छोड़ दोगे इसको तो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख सकते हो 1/8 पार्ट ऑफ कलर्ड ब्लू, ठीक है। अगर यहां भी लिख दोगे तो भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे आपको इजी लग रहा है आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख सकते हो आंसर, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट पार्ट इज ग्रीन, अब ग्रीन पार्ट के बारे में बताओ भाई। चलो भाई दोबारा देख लेते हैं ग्रीन को, तो ग्रीन जो है यहाँ पे कितने है, 1 पार्ट है भाई, ठीक है। ग्रीन कितना है, 1 पार्ट है, टोटल कितने है, 16 पार्ट है। तो आप लिख सकते हो बहुत इजीली इसका आंसर, लिख सकते हो 1/16। 1/16 कैसे, टोटल 16 पार्ट है और ग्रीन पार्ट कितने है, ग्रीन पार्ट सिर्फ एक है आपके पास, ओनली 1 पार्ट वी हैव इन ग्रीन शेडेड पोर्शन। तो ग्रीन में कितना है, 1 है। तो आंसर लिख सकते हो आउट ऑफ 16 स्क्वायर्स 1 स्क्वायर कलर्ड ग्रीन, 1 स्क्वायर के ग्रीन कलर किया हुआ है, ऐसे लिख सकते हो। और दैट इज इक्वल टू, या फिर फर्दर लिख सकते हो 1/16 पार्ट इज कलर्ड ग्रीन, 1/16 पार्ट ग्रीन कलर में। इजी क्वेश्चन है, बस ग्रीड बनाओ और क्वेश्चन को अच्छे से देखो और आंसर लिख दो, इतना ही तो है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ड्राइंग ड्राइंग और ड्राइंग करना है इसके अंदर, पर ड्राइंग कैसे करना है, लॉजिक समझ के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास है फ्रॉम अ पार्ट टू होल, पार्ट गिवन है इसको कंप्लीट करना है। यानी कि ये फ्लावर है, फ्लावर की वन छोटी सी लीफ सी जैसे होता है ना वो कुछ एक पोर्शन गिवन है, बाकी रिमेनिंग कंप्लीट करना है, ऐसे 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 ड्रॉ करके पूरा। तो जैसे इसमें है ना उसको कंप्लीट करना है, तो जैसे इसमें बोला गया दिस शो 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट का मतलब है कि यानी कि 5 पार्ट टोटल होने चाहिए हमारे, ड्रॉ कितने हैं, एक ही ड्रॉ है, तो रिमेनिंग 4 जो उसको ड्रॉ कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग 4 के लिए 1, 2, 3, 4 ये ड्रॉ कर दिया हमने, तो टोटल कितना हो गया, 5 पार्ट हो गया। तो इसको अच्छे से देखो और कंप्लीट कर लो, इजी क्वेश्चन है ना। 1/4 5th पार्ट गिवन है, यानी कि टोटल 5 पार्ट है, 1 गिवन है, 4 रिमेनिंग कंप्लीट कर लो, इजी है, कर सकते हो, गुड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था, सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया कि भाई ये फैन का एक आर्म गिवन है, 1 आर्म गिवन है, कुछ इस ब्लेड गिवन है, आपको रिमेनिंग बताना है। तो देखो बहुत ईजी है ये भी, द पिक्चर शो 1/3 ऑफ ब्लेड, 1/3 का मतलब है 1/3, यानी कि 1 पार्ट गिवन है और टोटल कितने है, 3 है, तो रिमेनिंग 2 आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया ना, ऊपर वाला गिवन था, इन दोनों को ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर देना, इधर ड्रॉ कर देना और आंसर कंप्लीट। जैसा इसमें बोला है ना, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर ब्लेड्स, यानी कि 1 ब्लेड वी हैव गिवन एंड रिमेनिंग 2 वी हैव टू ड्रॉ, और मैंने जो रिमेनिंग 2 है उसको ड्रॉ कर दिया। आपके घर में फैन है ना, छत पे देखो, ऊपर की तरफ देखो, छत की तरफ है ना, ऐसा ही है ना सबके घर में। कुछ कहेंगे नहीं सर हमारे घर में तो 4 ब्लेड वाला है, हाँ भाई 4 ब्लेड वाला भी होता है किसी किसी के घर में, पर हमारे क्वेश्चन में कितना है, 3 ब्लेड वाला फैन है, तो हमें इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इजी है, बहुत इजी है ना। चलो अब 4 ब्लेड वाले भी आ जाओ भाई, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है। अब ये नहीं सोचना कि भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं मैं,
अब ठीक है ना, टू ब्लेड गिवन है जैसे इसमें लिखा है थर्ड पार्ट में, हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर, एक एक और पंखा एक और फैन आ गया आपके लिए जिसमें हाफ गिवन है, हाफ का मतलब आधा गिवन है, यानी दो गिवन है और दो आपको ड्रॉ करना है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर हाफ, अदर हाफ ड्रॉ कर दो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाउ मेनी ब्लेड आर ड्रॉन, और नंबर ऑफ ब्लेड भी लिख देना, तो ये भी लिख सकते हो कितने है? टू और ड्रॉ करना है, तो ये देखो हाफ है ना, यानी कि टू गिवन है और टू और ड्रॉ कर लो। तो जैसा जो बच्चे कह रहे थे सर हमारे घर में तो फोर ब्लेड वाला है, तो भाई लो भाई फोर ब्लेड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी टू ब्लेड जो मिसिंग था यहाँ पे वो निकाल लोगे आप लोग, इसे ड्रॉ कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना भाई आपके रूम में, आपके घर में, आपके रूम में कौन सा फैन है, थ्री ब्लेड वाला है या फोर ब्लेड वाला है, ये मुझे बताना। दोबारा बोल रहा हूं, कौन सा बताना है आपको क्वेश्चन में, क्या बताना है आपको कमेंट करके, ये बताना है कि आपके घर में थ्री ब्लेड वाला फैन है या फोर ब्लेड वाला फैन है, ये बताना मुझे। मैं वेट करूंगा और आंसर कमेंट में देखूंगा, कमेंट में, लाइव चैट में नहीं बोल रहा हूं, कमेंट में बोल रहा हूं, ठीक है, कमेंट में देखूंगा। चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब 29 छोटे छोटे क्वेश्चन अब आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन को हम करके इस चैप्टर को अब कंप्लीट कर देंगे थोड़ी देर में। हाँ क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला जा रहा है इस 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीस, कि जो 50 पैसे हाफ है 1 रुपीस का, यस बिल्कुल है, 50 प्लस 50 पैसे को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो 100 रुपीस होता है, तो यस हम लिख सकते हैं यस, आंसर क्या लिखेंगे यस। तो ये ड्रॉ कर लेना, कॉइन को ड्रॉ करना है 50 पैसे का, अब तो नहीं चलते तुम्हारे पुराने घर में, जो पुराने लोग हैं मम्मी पापा दादा दादी उनके टाइम का है, मेरे टाइम का भी है, मैं भी पुराना हूं ना इसलिए मेरे टाइम का भी है, तो आप लोगों के टाइम का नहीं है, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, देखा घर में बड़ों से पूछना, ठीक है या नहीं है आप घर में, तो इसे यस लिखोगे आंसर यस, तो 50 पैसे इज हाफ ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसे क्या है 1 रुपीज का हाफ रुपीज है, हाफ है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी विल मेक 1 रुपीज, अरे भाई कितने मिलके बनाएंगे, तो लिख सकते हो 250 पैसे, या 250 पैसे को अगर कंबाइंड करोगे कॉइन को तो देन इट विल मेक 1 रुपी कॉइन, तो आप बोल सकते हो 250 पैसे कॉइन मेक 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी के लिए 2 ऐसे कॉइन को कंबाइंड करोगे तो बन जाएगा 1 रुपया, इजी क्वेश्चन है दोनों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पहले मैं पूछा कि ये हाफ है या नहीं है, बिल्कुल हाफ है भाई, यस लिख दिया आंसर। सेकंड में बोला कि कितने कॉइन चाहिए हमें 1 रुपी बनाने के लिए, तो 1 रुपीज के लिए हमें 250 रुपीज के कॉइन चाहिए, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, कर सकते हो ना, हाँ भाई हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आ गया आपके पास 50 रुपीज के बाद, अब बात करेंगे हम 25 पैसे वाले, 50 पैसे कॉइन के बाद अब आ गया आपके पास 25 पैसे वाला, ये भी पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, वो अठन्नी था अब ये चौन्नी आ गई, तो अपने घर में पूछना भाई है सिक्के तो देख लेना एक बार और देख के ड्राइंग करना, ठीक है। यहाँ तो देखो क्लियर नहीं है, ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है मेरे पास, ऐसा ही था मेरे पास, ठीक है, साफ नहीं लग रहा होगा, पुराना कॉइन है ना, तो आपके पास नया कॉइन हो अच्छा सा सुंदर सा, तो अच्छा सुंदर सी ड्राइंग बनाना। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी विल मेक 1 रुपीज, तो ऐसे कितने कॉइन मिलके 1 रुपीज बनेंगे, तो ऐसे 4 कॉइन मिलके बनेंगे, कितने 425 पैसे कॉइन, कॉइन्स लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है ना, कॉइन्स मेक 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, ऐसे 4 कॉइन मिलकर के कितने 4 कॉइन, 425 पैसे कॉइन्स विल मेक 1 रुपी, ठीक है, ये 4 अगर ऐसे छोटे छोटे कॉइन कंबाइन करोगे तो वो 1 रुपी बन जाएंगे, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, ड्राइंग करना है और आपको आंसर लिखना है, नथिंग एज, कुछ भी इसमें बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं इसके अंदर, बताना है कितने कॉइन मिलके बना रहे हैं, तो भाई 4 25 के पैसे रुपए के कॉइन मिलाओगे तो 1 रुपये होता है, 250 रुपीज वाले कॉइन मिलाओगे तो 1 रुपये होता है, इजी है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, अब 32 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कॉइन वॉइन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग चीज आ गई इसके अंदर, चलो इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला जा रहा है यूज डिफरेंट कलर टू शो प्लेइंग, डिफरेंट कलर यूज करके आपको कुछ शो करना है प्लेइंग का। अच्छा चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जैसा आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं इसमें ये लिखा है प्लेइंग 1/8 ऑफ द डे, 1/8 ऑफ द डे, ठीक है, स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे, स्टडिंग कितना है 1/4 है, तो पहले तो ये लेयर्स में जो ब्लॉक्स गिवन है उसको काउंट कर लो, तो ये दिन में 24 आवर होता है, तो 24 आवर के हिसाब से इसके अंदर मैंने 4 ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए, टोटल अगर काउंट करोगे ना 1, 2, 3, 4 तो ये आपके पास 24 हो जाएंगे, क्लियर, कितने 24 हो जाएंगे। तो जिसमें प्लेइंग के बारे में है कि कितने घंटे आप खेलते हो, कितने घंटे आप स्टडी करते हो उसके बारे में, तो प्लेइंग के बारे में, खेलने के बारे में 1/8,
यानी कि 1/8 है ये। स्टडी कितने का टाइम करते हो, कितना टाइम करते हो दिन में, 1/4 टाइम करते हो, यानी कि 1/4 से 24 को मल्टीप्लाई करोगे। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें है, मैंने ऐसा किया, वी नो डेट, हम जानते हैं कि 24 आर इन अ डे एंड अबव फिगर कंटेन 24 बॉक्सेस। तो 24 बॉक्सेस था, तो मैंने इसको कुछ किस तरह किया जरा देखो। तो अरुण स्पेंड 1/8, जो अरुण है इस क्वेश्चन में, मान लो आप अपना नाम भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, जो अरुण है वो स्पेंड करता है कितना, 1/8 टाइम प्ले खेलने में। तो इसे 1/8 करोगे तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24 होता है, इसलिए 8 कैंसिल हो गया, 24 कैंसिल हो गया और इनकी जगह क्या आ गया, 3 आ गया। 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, दोनों कैंसिल आउट हो गए और इनकी जगह 3 आ गया। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3R, 8 मीन्स जो अरुण जो है 3 घंटे खेलता है एक दिन के अंदर। जैसे आप लोग भी अभी तो पता नहीं कितने घंटे खेलते हो, मुझे भी बता सकते हो भाई कितने घंटे खेलते हो। और नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, ही स्पेंड 1/4 और डे स्टडिंग, स्टडी करने में कितना, 1/4, तो 1/4 निकाल लो, 1/4 इंटू 24, 4 बन जा 4, 4 सिक्स जा कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो 6 लिख दोगे आंसर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6R तो वो क्या करता है, स्टडी करता है, और 3R क्या करता है, मस्ती करता है, खेलता है, ठीक है। आप लोग अपना बताना भाई कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे खेलते हो, खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। तो इसमें जो मैंने ये किया, ये देखो, ये जो ब्राउन जैसा कलर जो दिख रहा होगा ये तो इसका खेलने का घंटा है, और जो रेड कलर जो दिख रहा होगा, रेड कलर में ये इसका स्टडी करने का। दिस पोर्शन इज फॉर द रिप्रेजेंटिंग स्टडी आर, सॉरी प्लेइंग आर, एंड दिस रेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग स्टडी आर। स्टडी आर ये है और प्लेइंग आर उसका ये है, किसका, अरुण का। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आगे इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर द स्लीपिंग एंड स्टडिंग एंड प्लेइंग, कि कितने घंटे, कितना टाइम वो लेता है स्लीपिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए और प्लेइंग करने के, खेलने के लिए। तो भाई सॉरी, तो जो ये जो दिख रहा है ना, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 आपको जो दिख रहा है ये 8 पार्ट, ठीक है, जो इधर 8 है और इधर कितना है, इधर देख लेते हैं, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7R, तो 8R 7R जो इसके बाद जो गिवन, जो रिमेनिंग जो टाइम उसके पास गिवन है, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि 8R ऑफ स्लीपिंग, 8R किसके लिए लेता है, स्लीपिंग के लिए लेता है, सोने के लिए लेता है, और उसके बाद 6R फॉर स्टडी, 6R स्टडी के लिए और 3R प्लेइंग के लिए। 8 घंटे वो सोता है, 6 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे खेलता है, ठीक है। चलो अब देखो इसका थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया सॉल्व, थर्ड पार्ट मैंने यहीं पे लिख कर रहा हूं इसको। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी, तो अदर एक्टिविटी के लिए वो कितने यूज करता है अदर एक्टिविटी के, तो अदर एक्टिविटी के लिए आप कह सकते हो, ही यूज 7/24 पार्ट ऑफ द डे अदर व्यक्ति, जो रिमेनिंग जो 7R जो बच गए ना, 7R ये देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, जो रिमेनिंग बच गए वो यूज करता है, वो रिमेनिंग एक्टिविटी, नहाने धोने, इधर जाने उधर जाना, शॉप पे जाना, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, जो अदर एक्टिविटी है उसके लिए यूज करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 33 है, और 33 क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके पास क्या है, ये कुछ 12 तक काउंटिंग दी गई है। अच्छा पढ़ लेते हैं, इसमें है क्या, अ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टर ऑफ ए ईयर, हर 3 महीने में एक मैगजीन लेके आएगी स्कूल ने, ये डिसाइड किया है। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन ए ईयर, एक ईयर में कितने मैगजीन लेके आएंगे, इफ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है, ईच क्वार्टर ऑफ ए ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, मार्क द नंबर ऑफ दो मंथ, उस मंथ को मार्क करना, यानी कि फर्स्ट, ये फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसलिए 12th मंथ है। आपको ये बताना है कि हर 3 महीने के बाद आपको मार्क करना है, यानी कि उस महीने का नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये 3 में मार्क करोगे, फिर 6 में मार्क करोगे, ये 9 में मार्क करोगे, और उसके बाद 12 में मार्क करोगे। कैसे पता लगा, अगर 3 का टेबल आता है तो बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर 3 के टेबल से पता लग गया हमें कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और इसी तरह 3 3 जा 9, एंड लास्ट 3 4 जा 12, ऐसे मार्क कर सकते हैं सर। चलो तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये तो मैंने एक सिंपल सा ट्रिक दिया, और दूसरा ट्रिक क्या है जिसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट, इतना नहीं लिखना है, मैं भी मिटा दूंगा पर समझाने के लिए बता रहा हूं, फ्रॉम द क्वेश्चन
इट इज गिवन दैट स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर. वी नो दैट देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. क्वार्टर ऑफ द ईयर इज 1/4. 1/4 करोगे तो यानी कि यहां से स्टार्ट करना है आपको लिखना है. ये दिख रहा है ना, मैं शेड कर दे रहा हूं, ये देखो इतना लिखना है आपको. ठीक है, समझ में आ गया क्वार्टर से. तो क्वार्टर ऑफ द ईयर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12. तो 4 1 4 4 3 12. ठीक है, तो ये 3 आ गया, यानी कि 4 और 12 कैंसिल आउट हो गए और उसकी जगह आंसर क्या है, 3 आ गया. तो लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, तो यानी कि 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद. फिर सो लिखोगे, सो फॉर एवरी 3 मंथ स्कूल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग अ न्यू मैगजीन, तीसरे महीने के एंड में, 6 महीने के एंड में और 9 मंथ के एंड में एंड 12 मंथ के एंड में. ठीक है, इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना है. ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये डायग्राम ड्रॉ करना मैंडेटरी है. और इस तरह जैसे मैंने सर्कल मार्क किया है, इस तरह से सर्कल भी मार्क करना है, जब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. 34 में आपके लिए है, एक बार पढ़ लेते हैं. 34 में ये, हैव यू हर्ड ऑफ कुंभ मेला, कुंभ मेला के बारे में सुना है क्या? एंड द ब्रदर ऑफ रामना, रामना ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर. जो रावण था ना, रावण उसका एक भाई था भाई, तो जो उसका भाई था वो तो भाई साल के आधा तो सोता ही रहता था, यानी कि 6 महीने तो सोता ही रहता था साल के अंदर. नाम सुना है कुंभकर्ण के बारे में? सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया था, कुंभकर्ण के बारे में. तो जो कुंभकर्ण जो था वो कुंभ मेला नहीं बेटा, ये कुंभकर्ण, यानी कुंभकर्ण जो था उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है. जो कुंभकर्ण था वो 6 महीने सोता था, इसके बारे में हाफ ईयर का, हाफ साल हाफ ईयर सोता रहता था, तो उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है. अब आगे, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इट इज. अब आपको हर एक आदमी जो है, मोस्टली जो ज्यादातर लोग जो सोते हैं वो 8 घंटे सोते हैं, तो आपको ये बताना है कि भी एक दिन का कितना पार्ट है. तो आप लिख सकते हो कि वी नोट एट 24 आवर इन अ डे, एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं. गिवन मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप 8 आवर, तो आप लिख सकते हो 8/24. 8 क्या है, जो स्लीप के सोते हैं, और 24 क्या है, 24 टोटल है. 24 टोटल है, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. 8 1 8 8 3 8 3 बोलो 24, तो लिख सकते हो 1/3 पार्ट ऑफ ए डे. इजी है ना, 8 कैसे आया, 8 नंबर ऑफ स्लीपिंग आ रहे हैं जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर. और टोटल 24 कैसे आया, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट 24 आवर होते हैं इन अ डे, हमें पता है, इसलिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अगर पता नहीं होता तो नहीं कर पाते, इसलिए चीजों को पता रखो भाई. नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर डू दे स्लीप. अ पर्सन 60 इयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर, कि एक आदमी जो कि 60 साल का है, 60 ईयर का है, तो उसने पूरी लाइफ में कितना सोया है उसने. तो आप बोल सकते हो, अ पर्सन 60 ईयर ऑफ ओल्ड हैव स्लेप्ट फॉर 1/3. 1/3 कैसे आया, यहां से आया, देखो 1/3. ठीक है, तो 1/3 टोटल 60 ईयर उसने, उसकी लाइफ है, और उसने कितना सोया है, तो 1/3 कर दोगे इसका. तो 1/3 का मतलब है, आप क्या करोगे, 3 से पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं. 3 1 3 2 6, ठीक है, रिमेनिंग 1 0, तो ये 2 आ गया और 1 0 आ गया. तो और ये 1 एज इट इज है, तो आप लिख सकते हो इसे 1 मल्टीप्लाई बाय 20, इट मीन 20 ईयर सो गया है वो भाई. अब आप लोग अपना निकालना भाई, अपना निकाल के मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कितने साल सोए हो. तुम लोग मान लो तुम्हारी ईयर कितनी हो, तुम्हारा जो एज है 9 ईयर है. तुम्हारा एज कितना है, 9 ईयर. ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ. 9 ईयर तुम्हारा एज है, ठीक है, मैं एज अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब बच्चों की उम्र कितनी है, 9 ईयर है. तो तुम लोगों ने अब तक कितना सोए हो, 1/3 से कैलकुलेट करके बताना. अभी नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके आंसर लिखना कि भाई कितना आ रहा है तुम्हारा. 9 ईयर तुम्हारा एज है, और टोटल तुम अब तक कितना सो चुके हो. अगर मैं ये मान के चल रहा हूं 3/1/3 पार्ट हम लोग सोते हैं, तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे अपने लिए सॉल्व करना. तो आंसर बताना, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करना है. ठीक है, ये आपके लिए है. चलो अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, नाम है इसका कृति's शॉपिंग लिस्ट. और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना आप स्टार्ट करो. अब जो है ना, जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो 100% आता है, इसलिए डायग्राम देख लो अच्छे से. और कॉर्नर में देखो, प्राइस लिस्ट गिवन है. ठीक है, ये शॉपिंग लिस्ट जो है, जिसके प्राइस लिस्ट ये गिवन है. कॉमन फोटो मत देखो, फोटो पे ध्यान मत दो, इसको देखो. ठीक है, कहीं उधर देख रहे हो, ये प्राइस लिस्ट, इसको ध्यान से देखो. इसमें क्या आइटम गिवन है,
ठीक है, ये आइटम गिवन है, टमाटो पोटैटो ऑनियन कैरेट एंड गार्ड, ये कुछ चीजें गिवन है और उनका प्राइस गिवन है। प्राइस कितना है? 12 रुपी पर केजी, 10 रुपी पर केजी, 16 रुपीज पर केजी, 18 रुपीज पर केजी एंड 8 रुपी पर केजी। ठीक है, ये जो सामान बेचा जा रहा है ना, इस आंटी जो बेच रही है, सब्जी वाली आंटी बेच रही है, तो इनके पास जो सामान है उनका रेट गिवन है। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो 2 kg ऑफ टोमेटो कितना कॉस्ट करेगा आपको ये बताना है। तो 2 kg ऑफ टोमेटो के लिए हम क्या करेंगे, टोमेटो का 1 kg का कॉस्ट देख लेते हैं भाई कितना है। 1 kg का कॉस्ट टोमेटो, हाँ भाई ऊपर ही मिल गया, 20 कितना है, 12 रुपीज है। टोमेटो 1 kg का कॉस्ट क्या है, 12 रुपीज है, और हमें कितना खरीदना है, 2 kg खरीदना है। तो लिख सकते हो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट कितना है हमारे पास, 1 kg के लिए 12 रुपीज। तो 2 kg के लिए क्या हो जाएगा, 12 × 2 एंड दैट इज इक्वल टू 24। 1 किलो टमाटर 12 रुपए का आता है, 12 रुपीज का आता है, 2 किलो का बताना है। तो मैंने क्या किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 24। और हाँ, ये कैलकुलेशन सीख लो एग्जाम के लिए भी नहीं, जब शॉपिंग वगैरह करने जाओगे ना मम्मी पापा के साथ, तो वहां देखना कोई दुकान वाला बेवकूफ तो नहीं बना रहा, तो उसके लिए नॉलेज के लिए भी आपको होना चाहिए कि फटाफट कैलकुलेट करना। मैंने सिखा दिया है तुम्हें, ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करना, चेक करके बताना अपनी मम्मी पापा को, हाँ इतना इसका रेट इतना हो गया। अगर कोई बेवकूफ बनाए तो बोलना अंकल गड़बड़ कर रहे हो, ये रेट आएगा इसका। ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताना, कोई चीटिंग ना कर सके तुम्हारे मम्मी पापा के साथ। ठीक है, चलो अब देखो इसका बी पार्ट। बी पार्ट में ये हाउ मच डज केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट। अच्छा, टोमेटो का कितने केजी, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं, रुपीस लिख देते हैं ठीक से। फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg का कॉस्ट कितना है टोमेटो का, 1 kg का भाई वो तो देखना पड़ेगा, 1 kg का अभी देखा था ना, टोमेटो का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज, ये लिखे ना टोमेटो प्राइस इन रुपीज पर केजी, रुपीज 12 रुपीज। तो यहां पे लिख दोगे बहुत इजीली कि फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 12 रुपीज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, रेट वहां से देखना था, देख करके यार लिख देना था, है ना इजी। अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी पार्ट में किरण है, एक लड़की है, छोटी लड़की है, वो सब्जी खरीदने गई होगी शायद, उसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टोमेटो। 2.5 kg, रिमेंबर 2 kg and 1/2 kg, दैट इज कॉल्ड 2.5 kg, 2.5 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब किरण को सब्जी वाली आंटी को कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो कितना टोमेटो ले रही है, 2.5, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 12 रुपीज। 1 kg का कॉस्ट कितना है, 12 है, और 2.5 के लिए, तो फ्रॉम 1/2 kg का पहले निकाल लेते हैं, तो 1/2 kg के लिए क्या करोगे, 1/2 × 12, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 1/2 kg का कॉस्ट कितना आया, 6 रुपीज आ गया। 1/2 kg का कितना है, 6 रुपीज। पहले मैंने 1/2 का कैलकुलेट कर लिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देन कॉस्ट ऑफ 2 kg टोमेटो, तो 2 kg टोमेटो के लिए क्या करूंगा, 12 × 2, ठीक है 24 आ गया, ये देखो रुपीज 24, दोनों को प्लस कर लेता हूं, 2 kg का तो भाई 24 आ गया और 1/2 kg का 6 आ गया, 24 + 6 दैट इज इक्वल टू 30। तो कितना रुपीज किरण देगी इस आंटी को, तो ये आंटी को देगी वो 30 रुपीज, ये रही वो बच्ची किरण और ये रही है आंटी, ठीक है। तो इस आंटी को कितना देगी, 30 रुपीज देगी, 24 2 kg का और 6 रुपीज 1/2 kg का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पूरा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट। अच्छा पोटैटो आ गया, तो पहले तो पोटैटो का कॉस्ट देख लेते हैं कितना है भाई। पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज है, ये देखो पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज कॉस्ट है, ठीक है 10 रुपीज कॉस्ट है, हो गया। तो ये तो पहले मैं इसको ठीक कर दें, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे क्या है रुपीज का साइन है, ये रुपीज मैंने यहाँ लिख दिया, और भी कहीं है क्या, चलो बाकी जगह मैंने लिख दिया था ऑलरेडी। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ पोटैटो, 1 kg ऑफ पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज है। तो पहले 1/2 के लिए निकाल लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 1/2 के लिए निकालोगे तो 1/2 × 10, तो ये लिख दिया आपने 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो यानी रुपीज 5 आ गया, कितना है रुपीज 5 आ गया 1/2 kg का। अब 3 kg का और निकाल लो, देन 3 kg का, 3 kg ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू, इसका जो कॉस्ट निकालोगे ये आ जाएगा आपका 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30, 3 × 10 = 30 आ गया। अब दोनों का कंबाइंड करके बोलोगे सो कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ पोटैटो, 3.5 का मतलब है 1/2 एंड 3, दोनों को प्लस करेंगे,
तो हाफ के लिए तो 5 है और 3 के लिए कितना है 30 है, तो 30 और 30 और 5 दोनों प्लस किया 35 आ गया, तो 35 रुपीज कॉस्ट करेगा 3.5 केजी पोटैटो के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। अब कैरेट के लिए कैलकुलेशन करो भाई, कैरेट कितना 1/4 + 1 यानी कि कंबाइंड अगर मैं इसे रीड करूं तो बोलूंगा 1 and 1/4 केजी ऑफ कैरेट। तो पहले कर लेता हूं मैं इसके लिए, क्या नाम है, हाफ 1/4 के लिए पहले रेट तो पता कर लूं, रेट कितना है इसका। चलो लिस्ट में देखते हैं दोबारा से, तो कैरेट का कॉस्ट है, कैरेट का कॉस्ट ये देखो ये मिल गया कैरेट, कैरेट का कॉस्ट कितना है 18 रुपीज पर केजी, कितना है 18 रुपीज पर केजी। ठीक है भाई 18 रुपीज कॉस्ट है, ठीक है तो यहां लिख दोगे रुपीज 18, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, यहां लिखना है रुपीज। ठीक है तो ये लिख सकते हो रुपीज 18, कितना है 18 रुपीज है। अच्छा अब उसके बाद लिखोगे फोर 1/4 केजी, 1/4 केजी ऑफ कैरेट के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि आ जाएगा आपका 1/4 × 18। तो इसको अगर डिवाइड करोगे, यानी ऐसा करो रफ में 18 को 4 से डिवाइड करो। चलो भाई ये खुद से करना, मैं तो नहीं करके दूंगा, फिर भी मैंने यहां सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, पर आप लोग क्या करोगे डिवाइड करोगे, जब ये डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 4/4.5 आएगा। ठीक है इसको डिवाइड करोगे 9, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा। इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5 आ जाएगा, कितना 4.5 हो गया। अच्छा अब 1 किलो का कॉस्ट और देख लो 1 केजी का, देन 1.5 केजी का टोटल अगर कब निकालूंगा, 18 रुपीज 1 केजी का है और 1/4 केजी का कितना है 4.5 है, दोनों को प्लस करोगे 18 + 4 कितना होता है 22 होता है, 0.5 इसके पीछे लगा दिया मैंने ऐसे ही, तो कॉस्ट कितना आया 22.5। कैसे आया, 18 तो 1 केजी का है और 4.5 जो है ये 1/4 का है, ये जो हाईलाइट किया एरिया समझ में आ रहा है ना, ये 4.5 कैसे आया, ये आपने जो कैलकुलेट किया ना ये 1/4 केजी ऑफ कैरेट इसका कॉस्ट है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 1 केजी अलग कर दिया, 1/4 अलग कर दिया। ठीक है दोनों को प्लस करके फिर बाद में आंसर निकाल दिया। ठीक है ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका ताकि आसानी से कैलकुलेशन आप लोग कर सको, एग्जाम में भी ऐसे ही करना। अच्छा अब देख लेते हैं ही बाउट अ गार्ड ऑफ वेट 4 and 3/4। ओहो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इसे थोड़ा सा आसान बना देंगे, कैसे आसान बनाने का तरीका वही है, 4 अलग कर दो 3/4 अलग कर दो। ठीक है पहले इसका कॉस्ट देख लेते हैं कितना है, ठीक है इसका कॉस्ट, ठीक है इसका कॉस्ट देख लेते हैं कितना है अभी कॉस्ट, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डायग्राम, और इस डायग्राम में कॉस्ट कितना है इसका 8 रुपीज 8 पर केजी है, कितना है रुपीज 1 गार्ड का जो कॉस्ट है वो रुपीज 8 पर केजी है। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में आ जाओ, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम अ प्राइस लिस्ट 1 केजी ऑफ गार्ड इज इक्वल टू रुपीज 8, तो 8 है तो आप इसको पहले 4 केजी का निकाल लें, इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा करते हैं इस बार अलग थोड़ा अलग से, तो पहले 4 केजी का निकाल लेते हैं, तो 4 केजी का आएगा 4 × 8 दैट इज इक्वल टू 32, कितना है 32 रुपीज आया। अच्छा उसके बाद 3/4 केजी निकालते हैं, 3/4 के लिए 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 बच गया 3 यहां लिख दिया, और ये 4 और 8 को जब आपने कैंसिल किया था 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया, यानी कि इसको कंबाइंड करके बोल सकते हो 6 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है जो मल्टीप्लाई किया तो अब दोनों का टोटल कॉस्ट निकालोगे, यानी कि एक मिनट अब देखो देन कॉस्ट ऑफ 4/3 केजी ऑफ गार्ड, 3/4 केजी निकालेंगे, 32 4 केजी का था और 3/4 का था 6 था, तो यानी कि दोनों को जब प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास कितना आया 38 आ गया आपके पास, 32 ये जो है 32 यानी कि 32 और ये 6 दोनों को प्लस करोगे 38 रुपीज। ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हमने टोटल ए बी सी डी ई एफ तक पार्ट करे थे, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है, बुक को देखना, बुक कौन सी है आपकी मैथ मैजिक, चैप्टर का नाम क्या है पार्ट एंड होल। ठीक है मैथ्स की बुक से क्लास 5th से करा रहा हूं, देखो ऊपर मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है चलो अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मैंने, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आपके पास जी है, जी में आपसे बोला जा रहा है लुक एट द शॉपिंग लिस्ट कृति सैंड एंड उसके बाद हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर बाय ऑल दिस आइटम, उसने जितने भी आइटम इस चीज के थे उसके कॉस्ट आपको लिखे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, अब आपको सिर्फ प्लस कर देना है, तो आपने प्लस कर दोगे सबको, तो प्लस करने के बाद भाई ये टोटल तो खुद ही कर लेना, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है तो इसको प्लस करना है, तो प्लस तो आप लोग कर सकते हो,
तो प्लस करके कितना आएगा, ये हाफ ऑफ 1 रुपीज हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड कर लो, बाकी इन सबको जो प्लस करोगे 101 आएगा, और इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 2, यानी कि 102 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल में खुद से कर लेना, ठीक है, प्लस करने का ही काम है, ज्यादा बड़ा काम दिया नहीं मैंने आपको। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। अब 36 को थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी 36 में आपके पास ये रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। एक रहीम एक बच्चा है, उसे अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक मिनट, अब सही हो गया ना, नहीं, चलो थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। रहीम एक बच्चा है, उसे अपने स्कूल जाने के लिए 1/4 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। तो उसे अपने स्कूल जाने और स्कूल से वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ये बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 1/4 को 2 times प्लस कर दो चाहे तो, ठीक है, तो ये भी आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। इसलिए ध्यान से देखो 1/4 को, 1 and 1/4 को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, और फिर इसे 2 बार प्लस करना है हमें, एक बार जाने का डिस्टेंस, एक बार आने का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो कैसे है, तो लिख सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन से जो गिवन है, ये ना भी लिखो ना चल जाएगा, इतना लिखना जरूरी नहीं, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वाला, ठीक है, समझाने के लिए बस, कि फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये गिवन है, टू रीच द स्कूल रहीम हैज टू ट्रेवल 1 and 1/4 किलोमीटर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये जो 4 है बेटा, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अब यहां से ये जो 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होता है पहले, 4 × 1 = 4, ठीक है। अब जो ये 4 आंसर है, इस ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसके साथ प्लस हो जाता है, तो ये 4 + 1 = 5, तो आप इसे लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। चलो मैं एक बार और समझा देता हूं, ये देखो ये जो आगे जो नंबर है 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इन सबको, तो ये न्यूमिनेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 4, तो ये डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर वाला 4, इसको बड़ा कर दूं क्या, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, अब समझ में आएगा। ये जो 4 है इसको देखो, ये जो 4 है इस 4 को और इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 = 4, और ये जो ऊपर 1 है इसको प्लस कर दोगे, तो यानी कि 4 + 1 = 5, तो लिख सकते हो 5/4, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कितना हो गया 5/4 हो गया, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम स्कूल टू होम का जो डिस्टेंस है 1 and 1/4, यानी कि 5/4 किलोमीटर है, कितना है 5/4 किलोमीटर है। तो वो एक बार स्कूल जाता है रहीम, और स्कूल से फिर घर भी आता है, तो कितना वॉक करता है, तो लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय रहीम 5/4 + 5/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/4, क्यों, बेस को प्लस हम लोग नहीं करते, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाले को प्लस करते, यानी कि इस 5 को और इस 5 को ऐड करोगे, कितना है 10 आ गया, और डिनोमिनेटर को प्लस हम लोग नहीं करते क्योंकि बेस है, बेस अगर सेम है तो एक बार ही लिख देते, बेस अगर सेम है, बेस यानी कि जो नीचे वाला नंबर है डिजिट है 4, ये डिजिट यानी कि डिनोमिनेटर है, अगर ये सेम है तो एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 10/4। यहां लिख के भी छोड़ सकते हैं इसको चाहो तो, कि 10/4 किलोमीटर, सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसे 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, तो यहां लिखोगे भाई 2 × 5 = 10, 2 × 2 = कितने होते हैं 4 होते हैं, लिख दोगे ऐसे, फर्दर आओ और करोगे तो 2 के टेबल से इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 × 2 = 4 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, तो ये रिमाइंडर ऊपर आ गया, और नीचे ये 2 जो था बेस में वो 2 लिख दिया यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल, ये लिख सकते हो कितना है 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर वो डेली ट्रेवल करता है स्कूल से घर जाने में, और घर से घर वापस स्कूल से आने में, स्कूल टू घर, घर बोले ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम हाउस यानी होम टू स्कूल देन स्कूल टू होम, ठीक है, इस तरह करता है वो, स्कूल से घर से स्कूल, फिर घर से स्कूल जाने के बाद स्कूल से घर आने में उसको 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बट आप ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन है और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ, इसमें ये लता बाउट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज, एक लता एक बच्ची है वो पेंसिल और पेन लेके आई है, ठीक है, 7 पेन 4 रुपीज 7 का
सॉरी दोबारा पढ़ लेता हूँ। लता हैज बाउट पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज, 7.5 रुपीज का वो पेन लेके आना है। सी गेव 10 रुपीज, उसने शॉपकीपर को 10 रुपीज दिया, यानी कि 7.5 या फिर 7.5 रुपीज उसने कितने का एक पेन खरीदा, उसने 7.5 का, और उसके बाद 10 रुपीज का उसने नोट दे दिया। आपको बताना कि रिमेनिंग कितना पैसा उसको वापस मिला। तो आप बोल सकते हो द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज, वन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज में। तो व्हाट इज द कॉइन शी गॉट, तो उसे कौन कौन से कॉइन मिले होंगे। तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन जो कॉस्ट कितना है, ये 7.5। 7.5 का मतलब है कि भाई कितना, 7.5, क्या क्या बोल सकते हो इसको, 7.5, इसको क्या बोल सकते हो, 7.5 मैं लिख देता हूँ। 7.5 का मतलब है 7.5, ठीक है। और लता को जो पैसे मिले, कितने रुपए का नोट दिया उसने, 10 रुपीज का नोट दिया, तो 10 रुपीज का नोट दे दिया। तो और 10 में से क्या करना है हमें, 7.5 माइनस करना है। तो इसे आप 10 को आप इस तरह लिख सकते हो, 10.0 भी लिख सकते हो, और फिर लिख सकते हो माइनस, एक बार, हाँ 10.0 माइनस 7.5। तो जब इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इसका 7.5 माइनस करने के बाद 2.5 आ जाएगा। तो हो सकता है उसे कैसे कैसे नोट मिले होंगे, उसे 1 रुपीज का, उसके बाद ऐसे मिल सकता है उसे, पहले तो ये हो सकता है उसके साथ कि वो 1 रुपीज एंड 4 हाफ कॉइन, हाफ क्वार्टर, हाफ क्वार्टर का मतलब है 4 हाफ क्वार्टर, हाफ क्वार्टर का मतलब अठन्नी, यानी 50 पैसे वाले कॉइन। या फिर उसे ऐसा हो सकता है कि सेकंड बी ऑप्शन भी हो सकता है, 2 1 रुपीज का कॉइन और 6 हाफ क्वार्टर कॉइन, ऐसे ऐसे अलग अलग डायमेंशन में उसे मिल सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ये इसका इसका क्वेश्चन था। अगर आपने कोई इतना भी कैलकुलेट कर लिया ना, इसको छोड़ो छोड़ो एकदम भूल जाते थोड़ी देर के लिए, इतना भी कैलकुलेट करना सीख गए तो ये भी सफिशियंट है, ठीक है। ये इतना भी कर लिया, ये भी सफिशियंट है। इस पार्ट के लिए आपने क्या करना है, इस पार्ट के लिए जैसा पूछा गया कि भाई ये कितने कितने के कॉइन मिलेंगे वो है। तो अगर इतना भी निकाल लेते हो रिमेनिंग अमाउंट तो भी ठीक है, ठीक है। इसको आप आराम से डिटेल में दोबारा से जब वीडियो देखो तब समझना, क्योंकि ऐसे मुझे मालूम है थक गए हो गया अभी, वो सर बहुत लेंदी हो रहे हैं। चलो फिर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और हैं, बस खत्म कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी से जल्दी में निपटा देता हूँ वो 5 और 10 मिनट में, बस 5 मिनट, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। व्हाट टाइम इज ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टूडे, एक ट्रेन के बारे में एक स्टोरी है इस आपकी बुक के अंदर। स्टोरी में ये दिया गया है कि भाई जो ट्रेन जो है वो के उसकी टाइमिंग, आने की टाइमिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो आप उसके बारे में जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे, थोड़ा सा बुक को जाके एक बार ठीक से देखना, उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। द राइट टाइम क्या है उस ट्रेन का आने का, 6:45 है, यानी कि 6:45, यानी 6:45 उसके आने का टाइम है। और वो जो ट्रेन है वो हाफ आवर लेट आ रही है। ये मैंने कहां से निकाला, ये आपकी बुक के अंदर एक स्टोरी सी है, उसके अंदर से आप पढ़ोगे तो वहां पता लग जाएगा कि राइट टाइम है आने का 6:45, जैसे लिखा ना 6:45, यानी 15 मिनट कम होनी चाहिए 7 बजने से, यानी कि 6:45 है। और 30 मिनट वो लेट हो गई ट्रेन, तो अब इसको प्लस करोगे 6:45 में 30 प्लस करोगे ट्रेन की टाइमिंग में, तो यानी कि ये हो जाएगा 7:15 हो जाएगा, कितना होगा 7:15 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अंदर एक बार स्टोरी पढ़ना, एक बार बुक रीडिंग करो, सिर्फ सर ही नहीं करवाएंगे, कुछ खुद से भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसको रीडिंग करना, तो वहां पे आपको मिलेगा 6:45 आने का टाइम है, तो आधे घंटे लेट हो गई है, यानी कि 7:15 सात बज जाएंगे, और फिर 15 मिनट और ऐड करोगे तो कितना होगा, 7:15 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नाजिया गेट ऑफ एट स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर। तो नाजिया है वो 2.5 आवर स्टेशन पहुंचती है, ठीक है, गेट ऑफ वहां से चल देती है फ्रॉम द स्टेशन, व्हाट टाइम ही गेट ऑफ। तो अब स्टेशन पे के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी कि 7:15 पे ट्रेन, मान लो ट्रेन से उतर के वो स्टेशन से निकलती है 7:15, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया कि वो ट्रेन से उतर के जो निकल गई है वो 7:15 पे निकली है, और कितना टाइम उसे लगता है, उसे लगता है 2.5 आवर लगता है। तो 7:15 में क्या करूंगा, मैं इस 7:15 में मैं प्लस कर दूंगा 2.5 आवर, ठीक है, ये प्लस कर दूंगा। तो 7 और 2 प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 आवर, कि 7:15 में जोड़ेंगे 2 घंटा और 30 मिनट, यानी कि इन दोनों को अगर प्लस करोगे 7 + 2 = 9, और ये 15 + 30 इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 9:45, यानी कि 9:45 को अपने घर पहुंच जाएगी, स्टेशन से जो घर पहुंचना उसको उस टाइम वो पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 9:45। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो फाइनल जिसका आप वेट कर रहे हो कि सर अब इस चैप्टर को कंप्लीट करो, सर जल्दी से निपटाओ, तो वो ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे बोला जा रहा है साजी विल टेक 5 आवर टू रीच इनाकुलम बाय ट्रेन, दिस ट्रेन। तो साजी कोई पर्सन है, वो
पांच घंटा उसको लगते हैं कि मिस अर्नाकुलम पहुंचने के लिए, ठीक है, इस ट्रेन से पहुंचने के लिए. एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो ये शादी उस ट्रेन से अर्नाकुलम कितने, अर्नाकुलम बेटा साउथ में एक जगह है, सिटी है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई बोलते ना सिटीज है, वैसे ही अर्नाकुलम भी एक सिटी है साउथ के अंदर. तो आपसे बोला जा रहा है कि 5 आवर लगेंगे इस टाइम से, 7:15 पे जो भी ट्रेन जो यहाँ पहुंची हुई ना आपके स्टेशन पे, किसके स्टेशन पे, ये जो बच्चा इसमें जो हम बात करें ना 15 मिनट लेट आई थी स्टोरी के अंदर, तो अब इससे बताया जा रहा है कि जो 7:15 पे ट्रेन यहाँ पे लेट आई, यहाँ पर अब यहां से ट्रेन ले लेगी कितना, यहां से ले लेगी 5 आवर अर्नाकुलम पहुंचने के लिए. तो अर्नाकुलम का टाइम बताना आपको कितने बजे पहुंचेगी, तो आप लिख सकते हो, जैसे एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, शाजी विल टेक 5 आवर टू रीच अर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो वहां कितने बजे पहुंचेगी शाजी, कितने बजे पहुंचे, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट शाजी विल टेक 5 आवर टू रीच द अर्नाकुलम, देन द टोटल टाइम टेकन बाय द शाजी टू रीच अर्नाकुलम, अर्नाकुलम पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7:15 + 5 आवर, ठीक है, 5 आवर ये और 7:15 जो अभी करंट टाइम हो रहा है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस 7 में 5 को ऐड कर दोगे तो कितना है 12 आएगा, 15 एज इट इज इसके पीछे लिख दोगे, तो यानी कि 12:15, यानी कि जो ट्रेन जो है 5 घंटे एक्स्ट्रा और ले लेगी यहां से पहुंचने के लिए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 12:15 हो जाएगा, यानी कि 12:15 पर ये ट्रेन अर्नाकुलम पहुंच जाएगी और आप भी पहुंच गए चैप्टर के एंड में. क्वेश्चन सारे कैसे लगे मुझे जरूर बताना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में चल दिया है, कहीं लगा कि सर आप थोड़ा सा समझाया नहीं आपने डिटेल में, तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन का नंबर लिख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा, या फिर ऐसा करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रॉब्लम क्लास लेंगे उसमें बता दूंगा. और हाँ, टेस्ट के लिए भी तैयार रहना, ठीक है, तो उसके लिए भी इनको रिवाइज करना जरूरी है, ये दोनों वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी, दोनों पार्ट आपको रिवाइज करना है अच्छे से. वीडियो लंबी हो गई है इसलिए 2 बार 3 बार देखोगे जब जाके क्लियर होगा, एक बार में मुझे नहीं लगता क्लियर हो पाएगा, ठीक है. तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जब होम पेज निकालोगे मेरे इस चैनल का, तो यहाँ रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन है, आपकी इस वीडियो के नीचे भी ऐसा रेड कलर दिखेगा, तो यहां से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ प्रेस करके, ठीक है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आप जब आप बोलोगे वो तब लेके आऊंगा मैथ्स की, ऐसी कम्युनिटी सेक्शन में या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जब आप बोलोगे तब लेके आऊंगा. और हाँ, आपकी ईवीएस का जो फर्स्ट पार्ट करा दिया था मैंने, चैप्टर 3 का, बहुत पहले करा दिया था मैंने, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट करा दिया था, सेकेंड पार्ट उसका रहता था, तो सेकेंड पार्ट मैं कल ले आऊंगा अगर आप बोलोगे तो कमेंट करके बताना बेटा. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये ईवीएस का, ये जो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट, और थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, तो सेकंड पार्ट अब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है. अगर कुछ सजेशन कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू फॉर द पेशेंस, इतनी देर तो मेरे साथ बैठे ज्वाइन किया मुझे, इसके लिए थैंक यू बेटा.